हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन मैथ्स वाने। आई एम भूपेंद्र, योर मैथ्स टीचर। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्राइंगल। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिफरेंस की, सिमिलर और सेम की। सो सेम एंड सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है? सो हमारे पास यहाँ पर टू टी शर्ट्स हैं। एक टी शर्ट का साइज है हमारा एम और दूसरी टी शर्ट का साइज है हमारा एल। दोनों सेम कलर की हैं एंड दोनों की कंपनी भी सेम है, बस डिफरेंट है साइज का। सो ऐसी चीज जिसमें साइज डिफरेंट हो बट ब्रांड एक ही हो, या फिर सेम चीज हो बट डिफरेंट साइज की हो, तो ये कहलाएंगे हमारी सिमिलर। बट मैं बात करता हूं एग्जैक्ट सेम चीज की, इट मीन्स यहाँ पर दोनों टी शर्ट सेम है, दोनों कलर भी सेम है, दोनों की ब्रांडिंग भी सेम है, दोनों की साइज भी सेम है। सो ऐसे फिगर्स जो एग्जैक्ट सेम रहे एज कंपेयर टू साइज, एज कंपेयर टू देयर शेप, वो कहलाएंगे हमारे कॉन्ग्रेंट, इट मीन्स सेम। सो ध्यान रखिएगा सिमिलर और सेम में डिफरेंस होता है। सो जो सेम फिगर्स होते हैं वही कहलाएंगे हमारे कॉन्ग्रेंट फिगर्स, या उसको बोल सकते हैं हम कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ फिगर। लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्ग्रेंसी। इन ज्योमेट्री टू फिगर्स और ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रेंट। टू फिगर्स या ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रेंट कब होंगे? इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज, इसका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, और इफ वन हैज द सेम शेप एंड साइज एज अ मिरर इमेज। जैसे आप इमेज के मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका एग्जैक्ट शेप, आपका मिरर में इमेज फॉर्म होती है, वो होते हैं कॉन्ग्रेंट, इट मींस जिनका सेम शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, वो कहलाएंगे हमारे कॉन्ग्रेंट फिगर्स। सो जो हमारा कॉन्ग्रेंसी है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंसी ऑफ प्लेन्स की। प्लेन्स कब सेम रहेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास दो फिगर्स हैं, दोनों फिगर्स सेम है, इट मीन्स दोनों रेक्टेंगल हैं, दोनों की लेंथ एंड ब्रेथ भी सेम है एंड दोनों के कलर भी सेम है। कलर इज जस्ट अ एग्जाम्पल आपको बताने के लिए कि सेम है। सो ये दोनों फिगर सेम तभी होंगे जब इनका शेप भी सेम हो और जो इनकी लेंथ एंड ब्रेथ है वो भी सेम हो। टू लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रेंस कहलाएंगी? कॉन्ग्रेंसी तब कहलाएंगी जब दोनों के डिस्टेंस सेम हो, इट मीन्स दोनों का मेजरमेंट सेम हो, तो वो हमारी कॉन्ग्रेंसी कॉन्ग्रेंट लाइंस कहलाएंगे। अब बात करते हैं मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स की। टू ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। जैसे इसका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, तभी ये कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे याद देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले पढ़ लिया है कि करस्पॉन्डिंग क्या होता है। सो द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग इज दैट सेम पोजिशन, इट मीन्स अगर टू ऑब्जेक्ट का सेम पोजिशन होता है तो वो होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग। हमने लास्ट क्लास में पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ लिए थे, वहाँ पे दो एंगल्स की सेम पोजिशन थी। बट हम यहाँ बात करने वाले हैं दो ट्रायंगल्स की। दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग अगर पार्ट्स इक्वल होते हैं तो वो हमारे कहलाएंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। सो हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स सेम है। सो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब आपकी जो रेड वाली साइड है वो ये वाली रेड वाली साइड के इक्वल होगा, आपका ये ग्रीन वाली साइड इस ग्रीन वाली साइड से इक्वल हो, आपका येलो वाली साइड ये वाले येलो वाली साइड से इक्वल हो, तो ये हमारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। साथ में ही अगर ऐसा होता है तो हमारे कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, इट मींस हमारा पर्पल वाला एंगल से इक्वल होगा, डार्क ब्राउन वाला एंगल डार्क ब्राउन से इक्वल होगा एंड रेड वाला एंगल
रेड वाले एंगल से इक्वल होगा। सो अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का मतलब आप इजीली समझ चुके होंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग, जिनका पोजिशन सेम हो। सो हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इट मीन्स हमारे दोनों राइट वाली साइड इक्वल होंगी, हमारी येलो वाली साइड इक्वल होंगी एंड हमारी ग्रीन वाली साइड इक्वल होंगी, साथ में ही हमारे ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये वाली एंगल्स हमारे इक्वल होंगे एंड हमारे ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नाउ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, हमारे दो ट्रायंगल्स कितने क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सो फर्स्ट साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, सेकंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, थर्ड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड फोर्थ राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो फर्स्ट बात करते हैं हम साइड साइड साइड। सो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, इट मींस आपकी रेड वाली साइड के इक्वल हो, आपकी येलो वाली साइड से इक्वल हो एंड आपकी ग्रीन वाली साइड से इक्वल हो, तो अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं तो दोनों ट्रायंगल्स, इट मींस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल विच इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सी पी सी टी। सो सीपीसीटी क्या होता है? सी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। सो अगर मैंने यह बोल दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो बाकी बचे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इट मींस आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये वाले एंगल के ये वाले एंगल इक्वल होगा और ये वाले एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सो अगर हमारे किसी भी क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो बाकी बचे सारे उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट आपने प्रीवियसली इस स्लाइड्स में देख लिया है कि ये एंगल जो सेम कलर वाले साइड्स और एंगल हैं वो करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये सभी पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। वाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। सो बात करते हैं साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल की। सो इसी दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपस में इक्वल होती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे एंड बाकी बचे हुए सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। अब बात करते हैं साइड एंगल साइड की। सो यहाँ भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात होगी, इट मीन्स आपकी रेड वाली साइड की इक्वल होगी, आपका डार्क ब्राउन एंगल डार्क ब्राउन के इक्वल होगा एंड आपका येलो वाला एंगल आपके येलो वाली साइड दूसरे येलो वाली साइड से इक्वल होगी। सो अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे दो साइड्स हैं और उसके बीच में एंगल हैं, तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स में भी यही होगा। इट मीन्स आपकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, इट मीन्स रेड रेड के इक्वल होगी, येलो येलो के इक्वल होगी और रेड और येलो के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा, इट मीन्स आपका ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। सो ये हुई आपकी एक साइड, ये हुई आपका एंगल, ये हुई आपकी दूसरी साइड। सो इसको बोलते हैं हम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, इट मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, जहाँ पर दो साइड्स इक्वल होंगी, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और बीच में उसका एक करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। अब बात करते हैं एंगल साइड एंगल की, इट मीन्स ए एस ए। वहाँ पे हमने साइड एंगल साइड पढ़ा था, अब यहाँ देखते हैं हम एंगल साइड एंगल।
अगर दो ट्रायंगल्स के आपस के बीच में दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो यहाँ पे येलो वाली साइड आपके येलो वाली साइड के इक्वल होती है, इट मीन्स आपकी ये वाली साइड इक्वल हो गई। देन उसके साइड वाला एंगल आपस में इक्वल हो एंड रेड वाला एंगल रेड वाले एंगल के इक्वल हो। सो आपका एक एंगल ये, आपकी एक ये साइड और दूसरा एंगल ये, तो इसको बोलेंगे हम एंगल साइड एंगल। अब बात करते हैं राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। यहाँ पे आपको तीन चीज फिर देखना है। फर्स्ट राइट एंगल, दोनों एंगल्स में राइट एंगल हैं, यस ऑफ कोर्स हैं। देन बात करते हैं हाइपोटेन्यूस की, इट मीन्स आपकी रेड वाली साइड ये आपकी हाइपोटेन्यूस है, और एक कोई भी साइड, इट मीन्स या आपकी ये वाली साइड इक्वल हो या तो आपकी ये दोनों साइड इक्वल हो, तो हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन सभी रूल्स में आपने देख लिया होगा कि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए किन्हीं तीन चीज़ों को इक्वल करना पड़ता है। या तो हम तीनों साइड को इक्वल कर लें, या दो एंगल और एक साइड को इक्वल कर लें, या दो साइड और एक एंगल को इक्वल कर लें। तो इट मीन्स अगर तीन चीज़ हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमने बात की कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाकी बचे हुए सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हम CPCT, इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूर माइलस्टोन पब्लिकेशन बुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको टू फिगर्स दिए हुए हैं, टू ट्रायंगल्स गिवन है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और यहाँ पे आपको इसका कॉन्ग्रुएंसी रूल को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सो इस वर्ड का मीनिंग से डरिए मत, जस्ट आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। कैसे लिखते हैं हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं दोनों ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास चार रूल हैं। फर्स्ट साइड साइड साइड, सेकंड साइड एंगल साइड, थर्ड एंगल साइड एंगल, एंड फोर्थ राइट हैंड साइड हाइपोटेनियस और साइड। सो यहाँ पे हमारा RHS वाला रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं है। अब हमको गिवन क्या है। फर्स्ट गिवन है हमको टू साइड्स, यहाँ पे आपको दो साइड गिवन है, ये वाली और एक एक एंगल गिवन है। यहाँ भी आपके दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। अगर हम देखें तो हमारी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन तो नहीं दी है, बट हमारी एक साइड ये आपस में इक्वल दी है, ये वाली साइड इसके इक्वल दी है और ये वाली साइड इसके इक्वल दी है। सो करस्पॉन्डिंग साइड ये नहीं हुए, बट अगर हम फिगर को देखें तो आपका यहाँ पे एंगल बन रहा था, उसके ये वाली साइड इक्वल आपको गिवन है और ये वाली साइड गिवन है। सिमिलरली ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये वाली साइड गिवन है और ये वाली साइड गिवन है, तो ये ट्रायंगल को सिर्फ घुमा दिया है, दोनों करस्पॉन्डिंग हैं। सो आपको यहाँ पे टू साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो हमारे पास रूल है साइड एंगल साइड। यहाँ हमारे दो साइड के बीच में एक एंगल भी इक्वल है, सो हमको यहाँ पे तीनों चीज इक्वल मिल गई। फर्स्ट एक साइड इक्वल मिल गई, एक एंगल इक्वल मिल गया और एक अनदर साइड हमारे पास इक्वल हो गई। तो दोनों ट्रायंगल के बीच में फर्स्ट हमारा AC इक्वल टू LM है। क्यों दोनों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर गिवन है। आपका एंगल ACB और आपका एंगल LMN आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों 45 डिग्री के हैं। आपकी साइड BC इक्वल है MN के। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों की साइड आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है। सो आपका यहाँ पे एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया और एक साइड हो गई। इट मीन्स SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी रूल को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। नाउ अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे राज ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं, आपको यहाँ पे उनका कॉन्ग्रुएंसी रूल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट हमारे पास ये फिगर है,
इस फिगर में हमको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। सो हमारे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल आपका ये वाले पार्ट का, दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाले पार्ट का। सो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, फर्स्ट ट्रायंगल आपका ए डी सी और दूसरा ट्रायंगल आपका बी डी सी। अगर दोनों ट्रायंगल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल दी है, इट मीन्स आपको ए डी इज इक्वल टू दिया है डी बी, सेम गिवन है। फर्स्ट आपको ए सी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ये भी आपको गिवन है। बट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होना चाहिए। सो आप दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, आपके ये वाले ट्रायंगल में भी डी सी है और ये वाले ट्रायंगल में भी डी सी है, इट मीन्स आपके डी सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो डी सी इज इक्वल टू डी सी, दोनों में कॉमन है। सो यहाँ पे आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो वाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सॉरी बी डी सी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम इस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारा एक ऊपर वाला पार्ट और ये हमारा नीचे वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी है, इट मींस ए बी इज इक्वल टू ए डी, आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल गिवन है, बी सी इज इक्वल टू डी सी। जो आपको यहाँ पे दो सिंबल्स दिए, इट मींस जो लाइंस ड्रॉ होती हैं इसका मतलब इक्वल होता है, और आपका यहाँ पे ए सी कॉमन है, तो आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। नाउ इसमें आपको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल मींस आपका एक ये वाला ट्रायंगल और एक ट्रायंगल प्रूफ करना है आपको ये वाला, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इट मींस आपको ये प्रूफ करेंगे आप आर एच एस से। आपको पता है कि हाइपोटेनियस सॉरी 90 डिग्री के स्थान वाला आपकी हाइपोटेनियस होती है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल में बी सी कॉमन है, ये आपकी हाइपोटेनियस होगी। आपको दोनों एंगल 90 डिग्री दिए हुए हैं, आपका एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और आपको ये वाली साइड इक्वल दी है इस वाली साइड के, इट मींस आपको पी सी इक्वल दिया हुआ है बी क्यू के। सो यहाँ पे आपको एक साइड मिल गई, इट मींस आपको एक एंगल इक्वल मिल गया, दोनों 90 डिग्री के हैं। आपको बी सी मिल गई, हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन है, और आपको एक साइड इक्वल मिल गई, इट मींस वाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली आप इस वाले क्वेश्चन को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। नाउ यहां पे आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है। इस फिगर में आपको ए बी इक्वल दी है ए सी के, और आपको डी मिड पॉइंट बोला है। मिड पॉइंट मीन्स आपके ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होंगी। सो आपको दोनों ट्रायंगल्स को, इट मीन्स ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और साथ में ही आपको एंगल बी को और एंगल सी को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और बताना है कि ये इक्वल क्यों है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस फिगर को देखें तो हमारे ये दो फिगर टू इक्वल दो ट्रायंगल्स हैं। मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में डिवाइड कर दिया। अब यहां पे आपको ए बी इक्वल टू ए डी दिया हुआ ए सी दिया हुआ है। सो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, यह आपको गिवन है,
तो आप ब्रैकेट में गिवन लिखेंगे, देन आपको बी डी इक्वल टू डी सी दिया हुआ है, सो आप लिखेंगे कि दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि डी आपका मिड पॉइंट था और मिड पॉइंट पता है आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आपका बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। देन ए डी, ए डी दोनों में कॉमन है, आपके दोनों ट्रेंगल्स में ए डी कॉमन है, सो आप बोल सकते हैं कि हमारे दोनों ट्रेंगल्स के तीन पार्ट आपस में इक्वल हैं। सो यहाँ पे आपकी तीनों साइड की हेल्प से, इट मीन साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से हम बोल सकते हैं कि आपके दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। बट हमको हमारा थर्ड पॉइंट ही प्रूव करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे अगर दोनों ट्रेंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो यहाँ पे आपका एंगल बी और एंगल सी आपस में करस्पॉन्डिंग है। सो वाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल, इट मीन्स सी पी सी टी से हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक दो ट्रेंगल्स दिए हुए हैं जिनका सेम बेस है ए बी, और आपको ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू ए डी गिवन है। स्टेट थ्री पेयर इक्वल पार्ट्स, आपको तीनों तीन पेयर इक्वल बताने हैं और साथ में आपको किस आइडेंटिटी के थ्रू आप इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं ये भी बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों ट्रेंगल्स को ऑब्जर्व करें तो आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, इट मीन्स आपके ट्रेंगल ए बी सी में और ट्रेंगल बी ए डी में आपकी दो साइड इक्वल हैं। इट मीन्स बी डी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, और आपको बी सी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, इट मीन्स आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी गिवन है, बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी आपको गिवन है। देन अगर आप देखें तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, इट मीन्स दोनों का ये वाली साइड दोनों में सेम है, जैसे हमने पिछले वाले फिगर में देखा था दोनों फिगर्स में कॉमन थी, यहाँ भी आपकी ए बी कॉमन है, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। सो तीनों साइड हैं, मतलब वाई एस 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 रूल हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए डी के लिए। सो आपके लिए हिंट ये है, जब भी आपको दो टू फिगर्स आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने को बोलें तो आप उनके तीन पार्ट्स को आपस में इक्वल कर देना, देन कंडीशंस अप्लाई करके, इट मींस एस ए एस 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 ए एस ए, जो भी रूल अप्लाई होता है उसके थ्रू आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, देन आपको जो भी पार्ट इक्वल करने को बोले जाएं उसको वाई सी पी सी टी से दोनों ट्रायंगल के जो पार्ट इक्वल करने बोले हैं वो इक्वल प्रूफ कर देना। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिए हैं जिनका कॉमन बेस है बी सी, जहाँ आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, समझते हैं, इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल हैं, इन दोनों का आपस में बेस सेम है, सो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में अलग कर देता हूँ। हमारा मेन फिगर ये है, आपको समझाने के लिए मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ। सो मैं इसको नाम देता हूँ आपका ट्रायंगल ए बी सी, देन इसको नाम देता हूँ डी बी सी, दोनों का बेस सेम है तो यहाँ भी बी सी है आपका, यही बी सी है, तो आपके दो चीज़ एक चीज़ इक्वल हो गई, क्या दोनों कॉमन बेस है। फिर आपको एक गिवन है ए बी इक्वल टू बी डी एंड दो गिवन है आपको ए सी इक्वल टू सी डी, इट मीन्स आपको तीनों चीज़ इक्वल गिवन है। सो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हुए थे सिमिलरली आप दोनों ट्रायंगल्स का नेम लिखना, देन जो दो तीनों चीज़ इक्वल हैं वो लिखना, देन वाई साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, और आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों आपस में इक्वल है वो बताना, क्यों इक्वल है
क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको एक एबीसी एक ट्रायंगल दिया है आइसोस्केलस ट्रायंगल, और आपको ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी दिया हुआ है। जब भी हम बात करेंगे परपेंडिकुलर की, सो इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, जैसे कि आपके फिगर में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आपके पास तीन चीज इक्वल होना चाहिए। सो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, इट मीन्स आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, और आपका ए डी कॉमन है, इट मीन्स दोनों ट्रायंगल्स में ए डी कॉमन है। सो आपका राइट हैंड साइड मतलब 90 डिग्री बन रहा है, एक साइड भी इक्वल है और उसके हाइपोटेनस भी इक्वल है, इट मीन्स वाई आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल आप तीनों को इक्वल बोल सकते हैं, और तीन इक्वल हैं मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। फिर आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने इक्वल प्रूफ करने को बोला गया है। क्यों प्रूफ इक्वल हो जाएंगे? वाई सी पी सी टी, इट मीन्स कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हमेशा इक्वल होते हैं। नाउ यहाँ पे आपको वो आपको एक मिड पॉइंट दिया हुआ है बीसी पर, इट मीन्स मिड पॉइंट है मतलब आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी। एंगल सी पर 90 है और एंगल बी पर भी 90 है। अब आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, इट मीन्स ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। फिर से आपको तीन चीज इक्वल करनी पड़ेंगी। सो हमें क्वेश्चन में दो चीज इक्वल गिवन है, फर्स्ट ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है और ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है। अब आपको थर्ड चीज को इक्वल प्रूफ करना है। तो आपने पता है जब दो टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हम लिखते हैं दोनों फिगर का नेम इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। दो चीज क्या कॉमन गिवन है आपको, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री। देन आपको साइड गिवन है बी ओ इज इक्वल टू ओ सी। क्यों इक्वल है? बिकॉज ओ इज मिड पॉइंट। एंड थर्ड चीज आपने देखी, जो आपका एंगल है डी ओ सी वो इक्वल है आपके ट्रायंगल ए ओ बी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपका एक एंगल एक साइड और दूसरा एंगल मतलब वाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी सॉरी वाई ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आर एच एस क्यों नहीं लगा? आर एच एस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल था और एक साइड भी थी, बट आपको हाइपोटेनियस इक्वल गिवन नहीं था, इसलिए हमने एंगल साइड एंगल के हेल्प से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है। सो आपका असाइनमेंट ये है कि आपको लेट्स ट्राई वन एंड लेट्स ट्राई टू कंप्लीट करना है, एंड माय टर्न वन एंड माय टर्न टू कंप्लीट करना है। ये चैप्टर आपके लिए न्यू है, सो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहूँगा। स्कूल की तरफ से इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका कॉपी चेक करने के लिए स्कूल में मंगाई जा सकती हैं, इसलिए उनको टाइम पर कंप्लीट करिए। थैंक यू।